हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल डिसिडेंट। तो दोस्तों, काफी दिन हो चुका है जो मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया कुछ प्रॉब्लम का वजह से, इसके लिए मुझे माफ कर देने का। तो दोस्तों, आज का वीडियो का जो टॉपिक है, अपना हैंड राइटिंग को आप कैसे करके किसी भी नोट पैड पर चाहे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल वर्ड पर कैसे करके आप लेके जा सकती है। ओके दोस्तों, तो जैसे कि मेरा पास एक इमेज को मैंने पहले से ही फोटो खींच के रख दिया है। दोस्तों, इस जो हैंड राइटिंग है, इस हैंड राइटिंग को हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल वर्ड पर लेके जाऊंगा एंड आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जरूर दिखाऊंगा। ओके दोस्तों, और इसके लिए आपको किसी भी तरह सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करना पड़ेगी और किसी भी लैंग्वेज पर हैंड राइटिंग से अपना नोट पैड पर कन्वर्ट कर सकती है। तो दोस्तों, चलती है हमारा मेन वीडियो पर। वेलकम बैक दोस्तों, हम आ चुका हूँ हमारा मेन वीडियो पर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जिस तरीका से फोटो यहाँ पर खींच लिया है, तो अपना नोटबुक पर चाहे किसी भी डायरी पर जो हैंड राइटिंग किया है, तो उसको अपना मोबाइल से चाहे किसी DSLR से एक फोटो खींच लीजिए। ओके, फोटो खींच लेने के बाद अपना किसी भी पसंदीदा एक ब्राउजर को ओपन कर लीजिए, जिसे कि हम यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो दूसरा किसी भी ब्राउजर यूज कर सकता है। ओके, लेकिन ध्यान में रखिए, उस ब्राउजर पर अपना ईमेल आईडी लॉगिन होना चाहिए एंड अपना डिवाइस पर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। उसके बाद सिंपल सा आप गूगल ड्राइव पर चला जाइए एंड गूगल ड्राइव को ओपन कर लीजिए। गूगल ड्राइव ओपन हो जाने के बाद आपका सामने पर कुछ ऐसा वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगी। तो सिंपल सा इस गूगल ड्राइव पर जिस हैंड राइटिंग पिक्चर को हम पहले से खींचा है, तो उसको इस गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दीजिए। तो जैसे कि हम जो पिक्चर यहाँ पर खींचा है, तो इसको हम गूगल ड्राइव पर अपलोड कर देती है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पिक्चर यहाँ पर अपलोड हो चुका है। ओके, तो सिंपल से इसको काट कर देती है। इस जो पिक्चर है यहाँ पर आ चुका है। ओके, तो सिंपल सा माउस पर राइट क्लिक करिए। माउस पर राइट क्लिक करने के बाद आपका सामने पर बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगी। तो जैसे कि सेकंड वाला जो ऑप्शन है ओपन विथ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसे कि डॉक्यूमेंट व्यूअर गूगल ड्राइव एंड गूगल डॉक्स। ओके, तो सिंपल से गूगल डॉक्स जो ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक कर देने के बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगी एंड प्रोसेसिंग हो जाने के बाद यहाँ पर देख सकता है हमारा जो हैंड राइटिंग है आसानी से नीचे पर आ जाएगी एंड इसको आप आसानी से कॉपी कर लीजिए एंड किसी भी नोट पैड पर चाहे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल वर्ड पर आप आसानी से इसको पेस्ट कर दीजिए। ओके, तो दोस्तों, पेस्ट कर देने के बाद आप यहाँ से आसानी से कस्टमाइज कर सकता है। तो मैंने इसको कस्टमाइज करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाएगी। तो एक बात जरूर ध्यान में रखिए है, इस जो राइटिंग है इसको आप आसानी से एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि एक दो वर्ड मिस्टेक हो जाती है, तो इसको आप पढ़ लीजिए। ओके, कितना भी बड़ा हैंड राइटिंग होने दीजिए, चाहे कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट होने दीजिए, चाहे किसी भी लैंग्वेज पर होने दीजिए, इस ट्रिक्स को यूज करके आप आसानी से हैंड राइटिंग से नोट पैड पर चाहे ऑफिशियल वर्ड पर आसानी से कन्वर्ट कर सकती है। ओके दोस्तों, तो आज का वीडियो इतना तक ही है। हम उम्मीद करती हूँ जो आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एंड मेरा चैनल पर अगर आप नया वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। ओके दोस्तों, तो हम फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर।